दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं, मगर उनके वीडियोस जेल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से जैन के जेल के वीडियो जारी किए। इस वीडियो में कुछ लोग सत्येंद्र जैन की सेवा में लगे हुए हैं, कोई उनका बिस्तर संवार रहा है तो कोई फर्श साफ कर रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैन को नियमों के विरुद्ध जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। एक वीडियो पर जंग अभी थमती नहीं कि एक नया वीडियो सामने आ जाता है। एमसीडी चुनाव के बीच सत्येंद्र जैन पर छिड़े संग्राम को बढ़ा जाता है। अब बीजेपी की ओर से जारी इस नए वीडियो को देखिए, जिसमें एक कैदी मंत्री जी का कमरा सजा रहा है। कोई जेल के कमरे में झाड़ू लगा रहा है तो कोई सत्येंद्र जैन का बिस्तर बिछा रहा है। अब तिहाड़ जेल के सेल में इन वीआईपी सुविधाओं पर बीजेपी सवाल कर रही है। जेल में मंत्री के ठाट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। हाउ ब्लेटेंटली कैन मिस्टर केजरीवाल लाए, कितने सहजता से वो झूठ बोल देते हैं, भाषण ऐसे करते हैं हाथ दिखा दिखा कर कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, और कोर्ट में जाकर कहते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे फिजियोथेरेपिस्ट मसाज दे रहा था। दरअसल ना डॉक्टर की एडवाइस थी और ना वो फिजियोथेरेपिस्ट था। डॉक्टर की एडवाइस पे मेवा डॉक्टर ने एडवाइस किया नहीं, ये कोर्ट ने कल कहा है यस्टरडे। और हाउस कीपिंग चल रही है सत्येंद्र जैन की। और अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो कहते थे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तमाम वीडियो में सामने आ चुका है कि ये जेल का कमरा नहीं, एक रिजॉर्ट का कमरा है। कभी आप रेपिस से मसाज ले रहे हैं, कभी आप जेल सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं, कभी आप फिजियोथेरेपी के नाम पे हेड मसाज हो रही होती है, कभी आपके पास बाहर का खाना आ रहा होता है। और अब जिस प्रकार से 8-10 लोग आपकी ये रूम सर्विस हाउस कीपिंग होती है, एक होटल के कमरे के या रिजॉर्ट के कमरों की हाउस कीपिंग करते हुए कमरे साफ किए जाते हैं, ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है? गुजरात विधानसभा और एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी ने आपके खिलाफ वीडियो वॉर छेड़ रखी है। कभी स्टिंग तो कभी तिहाड़ की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए बीजेपी आप पर हमला बोल रही है। अब बीजेपी की ओर से 12 सितंबर और 1 अक्टूबर का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रही सुविधाएं दिख रही हैं और इसे लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमला बोल रही है। वो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया, शिक्षा का और स्वास्थ्य की जो उन्होंने चिंता की है जेल में, उनको सबको जेल में भेजने का इंतजाम हमारे जनता करेगी। और ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, इनको सबक सिखाएं। उधर बीजेपी के इन हमलों के बीच आम आदमी पार्टी लगातार सत्येंद्र जैन का बचाव कर रही है, वीडियो वॉर को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक गारंटी दी है कि हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है, तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। भाजपा ने दिल्ली में गारंटी दी है, हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। बीजेपी का दावा है कि अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े कई और वीडियो सामने आएंगे तो भ्रष्टाचार वाली सांठगांठ से पूरा पर्दा हटाएंगे। साफ है कि वीडियो को लेकर बीजेपी और आप में छिड़ी लड़ाई अभी और बढ़ेगी, नए नए वीडियो के साथ नई सियासी जंग छिड़ेगी। गुजरात से पंकज उपाध्याय के साथ दिल्ली से पंकज जैन, आज तक।